हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड गिवन बाय मैथमेटिशियन पोशन लॉ ओके सो ऑलरेडी हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मुला मेथड अब अगर हम बात करें फैक्ट्राइजेशन मेथड की तो उसमें जब छोटे वैल्यूज़ आते हैं जैसे कि हमको जो समेशन टर्म चाहिए और जो प्रोडक्ट टर्म चाहिए अगर वो वो वैल्यूज छोटे होते तो हम इजीली वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको एड्स अपट्रैक्ट करके हमको समेशन टर्म मिल जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके कर हमको प्रोडक्ट टर्म मिल जाए बट मेन प्रॉब्लम तब आता है जब नंबर्स बड़े आते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं जो प्रोडक्ट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालते हैं एंड वो फैक्टर में से हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ये पर्टिकुलर समेशन टर्म और प्रोडक्ट टर्म का कंडीशन सेटिस्फाई करें बट कहीं ना कहीं ऐसे केस में हमको टाइम ज़्यादा लगता है सेकेंड प्रॉब्लम तब अब अराइज़ होता है जब जो प्रोडक्ट टर्म चाहिए और जो समेशन टर्म चाहिए उसके लिए जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या तो रूट्स के फॉर्म में होता है तो ऐसे केस में हम फैक्ट्राइजेशन मेथड नॉर्मली अवॉइड करते हैं तो हम ऐसे केस में हम या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं या तो फॉर्मुला मेथड यूज करते हैं ओके okay, सो so आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गिवन बाय पोशन लॉ इसमें आपको कोई भी कॉम्बिनेशन का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से दो वैल्यूज होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमको ये प्रोडक्ट टर्म मिले या इनको एड सप्टै करके हमको समेशन टर्म मिले ये मेथड यूज करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसके रूट्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया कोई भी कॉम्बिनेशन का कुछ भी टेंशन नहीं है सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ओके सो प्लीज आप ये चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ओके सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन Here the क्वेश्चन is एक्सक्वायेर प्लस एक्स माइनस वन फिफ्टी टू जीरो सो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्सक्वायर का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए अगर वन नहीं है सो देन यू हैव टू मेक इट वन जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी करते हैं अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सक्वायर का कोईफिशन क्या है वन है तो अब क्या करना है आपको फर्स्ट हम समेन टर्म फाइंड आउट करेंगे सो so, जैसे कि हम फैक्ट्राइजेशन uh, मेथड में फाइंड आउट करते हैं सो मिडल टर्म दैट इज प्लस है तो अब प्लस एक्स जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है प्लस वन है तो अगर प्लस वन है तो हम उसका ऑपोजिट साइन का वैल्यू लेंगे दैट इज माइनस वन अगर प्लस वन है तो माइनस वन लेंगे और माइनस वन है तो प्लस वन लेंगे जो भी वैल्यू होगा उसका ऑपोजिट साइन का वैल्यू लेना है अंडरस्टूड एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है माइनस वन फिफ्टी सिक्स उसको एज इट इज लेना है उसका साइन चेंज नहीं करना ओके okay, तो समेशन इज माइनस वन एंड प्रोडक्ट इज माइनस वन फिफ्टी सिक्स अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे सो रूट्स आर अब यहां पर जो समेशन टर्म है दैट इज माइनस वन इसका हाफ लेना है सो इट इज माइनस वन तो माइनस वन का हाफ क्या होगा माइनस वन बाय टू सो माइनस वन बाय टू प्लस यू ये एक रूट हुआ एंड माइनस वन बाय टू माइनस यू ये उसका सेकेंड रूट हुआ सो दिस आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू अब हम क्या करेंगे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके अब देखो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो देखो प्लस यू माइनस यू विल गेट कैंसिल तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस वन दैट इज नथिंग बट द समेशन टर्म इसका मतलब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रोडक्ट टर्म मिलना चाहिए दैट इज माइनस वन फिफ्टी सिक्स हंड्रस्टूर सो देयरफॉर जो प्रोडक्ट टर्म है दैट इज माइनस वन फिफ्टी सिक्स इट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रूट दैट इज माइनस वन बाई टू प्लस यू एंड माइनस वन बाई टू माइनस यू अंडर अब अगर आप देखेंगे आर एच एस में सो दिस इज नईडेंटिटी दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए क्या है यहां पर माइनस वन बाय टू सो माइनस वन बाय टू द होल स्क् प्लस बी स्क्र सॉरी माइनस बी स्क्वायर दैट इज यहां पर हो जाएगा यू स्क्वायर ओके सो माइनस 156। फिफ्टी सिक्स ओके सुनाओ माइनस 1 by 2 टू का स्क्वायर करेंगे तो 1 by 4 फोर माइनस यू स्क्वायेर माइनस वन फिफ्टी सिक्स अब यू स्क्वायेयर को हम यहाँ ट्रांसफोर्स करते हैं एलएचएस में सो प्लस यू स्क्वायेर हो जाएगा एंड 1 बाई फोर को हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे सो so प्लस 156। फिफ्टी सिक्स ओके Do the cross multiplication here. So one into one will be nothing but one plus four into one fifty six. Now four into six is twenty four. Two carry twenty twenty two and two. Okay, 620, will be divided by four. Understood? Okay. So now what will One into six twenty four. That is six twenty five by four. That is u square. I'm taking square root on both the sides. So u is equals to ट्वेंटी फाइव बाई टू हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स ट्वेंटी फाइव इज ट्वेंटी फाइव एंड स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू सो यू का वैल्यू हमको क्या मिला ट्वेंटी फाइव बाई टू सो दे फॉर द रूट्स आर देखो फर्स्ट रूट क्या है माइनस वन बाई टू प्लस यू दिस इज द फर्स्ट रूट सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू प्लस ट्वेंटी फाइव बाय टू एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिनोमीटर सेम है सो ट्वेंटी फाइव माइनस वन दैट इज ट्वेंटी फोर बाय टू एंड दैट इज नथिंग बट ट्वेल्व सो इसका जो फर्स्ट रूट होगा दैट इज 12, द सेकेंड रूट इज माइनस वन बाय टू माइनस यू एंड दैट इज नथिंग बट माइनस वन बाय टू माइनस यू दैट इज ट्वेंटी फाइव बाय टू अगेन डिनोमिटर इज सेम सो न्योमिनेटर माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस ट्वेंटी सिक्स बाय टू एंड दैट इज नथिंग बट माइनस थर्टीन सो दिस आर द टू रूट्स दैट इज ट्वेल्व एंड माइनस थर्टीन तो देखो यहाँ पर हमको कोई भी कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी अंडरस्टूड जस्ट यू हैव टू यूज दिस फॉमूला दैट इज माइनस वन बाई टू प्लस यू एंड माइनस वन बाई टू माइनस यू अंडरस्टूड मतलब जो भी समेशन टर्म है उसका हाफ लेना है तो प्लस यू माइनस यू एंड देन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड इट शुड बी भी टू जो प्रोडक्ट टर्म है हमारा अंडरस्टूड तो यहाँ से हमको यू का वैल्यू मिल गया देन सब्सिक्यूट द वैल्यूज यू विल गेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सो ना विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन होप यू हैव अंडरस्टूड अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं ओके okay. सो so, अभी ये मेथड कैसे डिराइव हुआ सो so, वो उसका वीडियो आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा या बेटर मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ जो पोशन लौने वो मेथड कैसे डिराइव किया वो डिटेल में उनका वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना यहाँ पर हम जस्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं okay, ओके अब जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर एक्स स्क्र का कोई ऑलरेडी वन है तो हम डायरेक्टली समेशन डर्म दैट इज़ प्लस फाइव एक्स है तो कोई इज़ प्लस फाइव तो हम उसका अपोजिट लेंगे दैट इज़ माइनस फाइव एंड प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए हमको That is five. अब इसके roots क्या होंगे सो रूट्स आर रूट्स आर इसका हाफ लेना है तो माइनस फाइव का हाफ दैट इज माइनस फाइव बाई टू प्लस यूटी दस्ट रूट एंड सेकेंड रूट विल बी माइनस फाइव बाई टू माइनस यू अटे सूट सो अब इसका प्रोडक्ट तो इनका समीशन जो होगा वो माइनस फाइव के इक्वल होगा सो प्रोडक्ट दैट इज फाइव

ट्वेंटी फाइव बाई फोर एंड फाइव को यहाँ ट्रांसफर्स करेंगे तो माइनस फाइव सो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो वन इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी बाय फोर सो इट विल बी नथिंग बट फाइव बाई फोर सो यू स्क्वायेर इज़ फाइव बाई फोर ओके सो टेकिंग स्क्र रूट सो इट विल बी रूट फाइव बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है और रूट फोर विल भी टू सो हमको क्या आया रूट फाइव बाय टू ओके सो The two roots will be that is minus 5 by 2 plus u. So that is nothing but equals to minus 5 by 2 plus root 5 by 2. And denominator same. Hai. So minus 5 plus root 5 by 2. Understood. Here we to root 5 minus 5 by 2. Understood. Okay. So this is the first root. The second root is minus 5 by 2 minus u so minus 5 by 2 minus u that is root 5 by 2 so denominator same as so minus 5 minus root 5 by 2 understood yeah we will minus root 5 minus 5 by 2 so these are the two roots that is root 5 minus 5 by 2 and minus root 5 minus 5 by ओपी ऑव अंडस्टेड सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओकेक्स क्वेश्चन में जो है एक्स स्क् का कोई वन नहीं है उसको हम वन करेंगे सो दैट इज डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय नाइन करेंगे सो नाइन एक्स स्क्वायर बाय नाइन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बाय नाइन एक्स माइनस टू बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो बाय नाइन इज ज़ीरो अंडर सो पूरे इक्वेशन को हमने नाइन से डिवाइड कर दिया ओके okay, सो so, अब कोईफिशन वन हो गया अब हम समेशन टर्म फाइंड आउट करेंगे तो समेशन टर्म दैट इज द कोईफिशन ऑफ एक्स तो प्लस सेवन बाय नाइन है तो उसका ऑपोजिट लेंगे सो माइनस सेवन बाय नाइन एंड प्रोडक्ट टर्म क्या होगा माइनस टू बाय नाइन अंटर सो रूट्स विल बी सो रूट्स आर दी हाफ ऑफ माइनस सेवन बाय नाइन सो माइनस सेवन बाय नाइन का हाफ लेंगे दैट इज हाफ ऑफ माइनस सेवन बाय नाइन सो दैट इज माइनस सेवन बाय एटीन आंट्रे सो क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाय एटीन प्लस यू एंड माइनस सेवन बाय एटीन माइनस यू ओके सो नाउ सो इन दोनों का सम क्या होगा माइनस सेवन बाय नाइन आएगा And product the product should be equals to minus 2 by 9. Therefore, minus 7 by 18 plus u minus 7 by 18 minus u. Understood. So now a plus b a minus b so a square that is minus 7 by 8 the whole square minus u square and minus 2 by 9. Understood. ओके सुनाओ सो माइनस टू बाय नाइन इक्वल्स टू सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन एंड एटीन स्क्वायर इज थ्री ट्वेंटी फोर माइनस यू स्क्वेयर सो यू स्क्र को हम यहाँ ट्रांसफोर्स करेंगे तो माइनस यू स्क्वेयर है तो प्लस यू स्क्वेयर फोर्टी नाइन बाय थ्री ट्वेंटी फोर प्लस टू बाय नाइन ओके सुनाओ सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते या तो एल लेते सो so थ्री और नाइन का एल लेंगे सो इट विल भी थ्री ट्वेंटी फोर सो यहाँ ऑलरेडी थ्री ट्वेंटी फोर था तो ये फोर्टी नाइन रहेगा सो so, नाइन से हमने क्या मल्टीप्लाई किया तो थ्री ट्वेंटी फोर आया सो so, देखो इसको नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन फाइव करेगा फिफ्टी फोर नाइन इंटू सिक्स दैट इज़ फिफ्टी फोर दैट मीन्स थर्टी सिक्स सो ऊपर भी हम थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल भी सेवेंटी टू ओके सो नाओ फोर्टी नाइन प्लस सेवेंटी टू सो टू एड करेंगे तो फिफ्टी वन प्लस सेवेंटी दैट इज वन ट्वेंटी वन बाय थ्री ट्वेंटी फोर सो दैट इज यू स्क्वेयर सो टेकिंग स्क्र रूट सो रूट वन ट्वेंटी वन विल बी एलेवन एंड दिस इज नथिंग बट एटीन सो यू का वैल्यू क्या है इलेवन बाय एटीन ओके सो नाउ द रूट्स विल बी द फर्स्ट रूट इज माइनस सेवन बाय एटीन प्लस यू so it will be equals to minus 7 by 18 plus 11 by 18 so denominator same hai. so 11 minus 7 that is 4 by 18 that is 2 into 2 2 into 9 so 2 by 9 so that is the first root and the second root will be minus 7 by 18 minus u so it will be minus 7 by 18 minus u that is 11 by 18 सो डिनोमीटर सेम है सो माइनस सेवन माइनस इलेवन माइनस एटीन कैंसल आउट दैट इज माइनस वन माइनस वन ऑटे सो दिस आर द टू रूट्स दैट इज टू बाय नाइन एंड माइनस वन सो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना दैट इज द रूट्स आर टू बाय नाइन एंड माइनस वन ओके सो नाओ विल मूव ऑन टू द लास्ट वन ओके okay, सो so आप स्कूल के एग्ज़ाम्स में ये मेथड यूज़ अभी नहीं कर सकते जहाँ पर आपको मेंशन किया होगा ये फैक्टराइजेशन मेथड से करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो क्योंकि अभी ये टेक्स्ट बुक में ये मेथड मेंशन नहीं है तो आपको जो स्कूल में मेथड सिखाया है वही करना है बट हाँ जहाँ पर एम सी क्यूज आते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो जहाँ पर आपको कॉट्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करें क्योंकि वहाँ पर हमको सेट्स तो दिखाना नहीं होता है तो हम कोई भी मैथड कोई भी शॉर्टकट यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स तो यू कैन यूज़ दिस मैथड ओके नाउ द लास्ट वन अगेन यहाँ पर हमको कोई वन करना होगा तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय थ्री सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाय थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो बाई थ्री दैट इज ज़ीरो ओके नाउ summation टर्म दैट इज़ माइनस फाइव बाई थ्री सॉरी माइनस है तो प्लस फाइव बाई थ्री होगा अंडरस्टूड यहाँ माइनस है तो उसका अपोजिट साइड लेंगे दैट इज़ प्लस सो प्लस लिखने की जरूरत नहीं दैट इज फाइव बाई थ्री एंड प्रोडक्ट टू बाई थ्री अटे अब रूट्स क्या होंगे सो रूट्स आर फाइव बाई थ्री का हाफ लेंगे सो फाइव बाई थ्री का हाफ दैट इज हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सो क्या हो जाएगा फाइव बाय सिक्स हो जाएगा अटे ओके सो द रूट्स फाइव बाय सिक्स प्लस यू एंड फाइव बाय सिक्स माइनस यू अटे ओके सो so, इन दोनों का सम देखो प्लस यू माइनस यू कैंसिल होकर आपको फाइव बाय थ्री मिलेगा सो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू टू बाय थ्री सो फाइव बाय सिक्स प्लस यू एंड फाइव बाय सिक्स माइनस यू ओके सो ए प्लस बी ए माइनस बी सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज टू बाय थ्री ओके सो टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स माइनस यू स्क्वेयर सो यहाँ ट्रांसफोर्स करेंगे सो यू स्क्वेयर इज़ ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स माइनस टू बाई थ्री अंडरस्टुड सो क्रॉस मल्टीप्लाई सो या तो एल सी एम ले लेते सो थर्टी सिक्स एंड थ्री सो इट इज़ थर्टी सिक्स सो यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी फाइव रहेगा एंड थ्री इन क्या करेंगे ट्वेल्व सो ऊपर बी ट्वेल्व से दैट इज ट्वेंटी फोर सो इट इज़ वन बाय थर्टी सिक्स सो यू स्क्वायेर इज़ वन बाय थर्टी सिक्स सो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टिकिंग स्क्वायर रूट सो वन बाय सिक्स आ जाएगा अंडरस्टुड सो दैट फॉर द रूट्स विल बी सो रूट्स आर फाइव बाय सिक्स प्लस यू सो दैट फॉर इट इज इक्वल्स टू फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाय सिक्स सो डिनोमेटर सेम है सो फाइव प्लस वन सिक्स बाय सिक्स दैट इज नथिंग बट वन एंड the second root will be 5 by 6 minus u so therefore 5 by 6 minus 1 by 6 so 5 minus 1 is 4 by 6 so 2 into 2 2 into 3 that is 2 by 3 so 2 by 3 and 1 so these are the two roots of the given quadratic equation so this is how we can use this method to find the roots of any quadratic equation hope you have understood ओके सो दिस इज़ द न्यू मैथड आपने आई थिंक सो अभी तक ये मैथड सीखा नहीं होगा सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले दिस न्यू मेथड सो दिस इज़ दिस मेथड इज़ डराइव बाय मैथमेटिशियन एंड लॉ अगर आप YouTube पे इनका नाम सर्च करेंगे तो आपको इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ ही डिराइव दैट दिस मैथड Okay, so hope it will be helpful for you. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.